नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 13 की। अपनी इस हरकत पर सिद्धार्थ शुक्ला को हुआ बड़ा पछतावा, रश्मि देसाई से सबके सामने माफी मांगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसी क्या हरकत कर दी जिसकी वजह से रश्मि से उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। बिग बॉस 13 में टास्क के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के चीखने चिल्लाने की आदत हर किसी को पता है। टास्क के दौरान धक्का देने पर उन्हें बिग बॉस खुद कई बार नॉमिनेट कर चुके हैं। इस बीच फिनाले से पहले घर में एक टास्क हुआ। इस टास्क में सिद्धार्थ के साथ रश्मि देसाई और आसिफ रियाज थे। इस दौरान सिद्धार्थ ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उन्हें रश्मि देसाई से माफी मांगनी पड़ी। नॉमिनेट सदस्य को यूमिनिटी दिलाने वाले टास्क के दौरान ये सब कुछ हुआ। इस टास्क में एक मेज पर चाबी रखी थी, चाबी उठाने के लिए बजर बजेगा। इस चाबी को सबसे पहले जो उठाएगा वो अपने पसंद वाले सदस्यों को उस जेल से बाहर निकाल सकता था। इस टास्क के दौरान आसिफ और सिद्धार्थ का झगड़ा भी हुआ था। शो में दिखाया गया कि सिद्धार्थ बीच में खड़े थे और एक तरफ रश्मि और दूसरी तरफ आसिम थे। बजर बजते ही जैसे सिद्धार्थ शुक्ला चाबी लेने के लिए भागे तो उनका हाथ रश्मि के चेहरे पर आकर लगा। रश्मि ने बिग बॉस से इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने सिद्धार्थ का हाथ चेहरे पर पड़ा और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ऐसा बिग बॉस से कहा था। टास्क जैसे ही खत्म हुआ तो सिद्धार्थ रश्मि के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद रश्मि ने कहा ठीक से खेला करो। रश्मि के इतना कहते ही उनकी और सिद्धार्थ की थोड़ी बहस हो गई। हालांकि बाद में दोनों शांत हो गए। इसके बाद सिद्धार्थ का सेना से झगड़ा हुआ। सेना सिद्धार्थ से इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने पारस को सुरक्षित किया था। तो दोस्तों ये थी सारी वजह जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को रश्मि देसाई से माफी मांगनी पड़ी थी। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला ने वो जानबूझ किया था या गलती से हुआ था, हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।